मोलर स्पेसिफिक हीट, वो अमाउंट ऑफ हीट जो 1 मोल ऑफ गैस के टेम्परेचर को 1 केल्विन चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। इसके मैथमेटिकल रिलेशन को देखा जाए तो सी क्यू ओवर एन डेल्टा टी और यूनिट जूल पर मोल पर केल्विन। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर जिसको सीपी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो दूसरी टाइप हमारे पास है वो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम जिसको सीवी से रिप्रेजेंट किया जाता है। दोनों में जो डिफरेंस है वो हीट का है, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हीट वर्क और डेल्टा यू का सम, और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हीट सिर्फ डेल्टा यू के इक्वल, और डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी का चेंज। सीपी सीवी से ग्रेटर है, इन दोनों का डिफरेंस आर के इक्वल और इनकी रेशियो गैमा के इक्वल। इनका डिफरेंस तमाम गैसेज में सेम होता है जो जनरल गैस कॉन्स्टेंट है, लेकिन रेशियो गैमा तमाम गैसेज में सेम नहीं है, ये डिपेंड करता है गैस की नेचर के ऊपर। तो 3 तरह की गैस की नेचर, मोनोटॉमिक, इसके अलावा डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। अब हम इन तीनों गैसेज में सीपी सीवी और गैमा की वैल्यू को देखेंगे। एक बात याद रखिएगा, गैमा की वैल्यू सबसे ज्यादा मोनोटॉमिक में होती है। सीपी मोनोटॉमिक में 5/2R, सीवी 3/2R और गैमा 5/3 मींस 1.67। डाया में सीपी 7/2R, सीवी 5/2R और गैमा 7/5 मीन 1.4। और पॉलीटॉमिक गैस में सीपी 9/2R, सीवी 7/2R और गैमा 9/7 मींस 1.29 जो सबसे कम है। एक चीज नोट कर लें कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जहां टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट इन्फिनिटी होती है, और एडियाबेटिक प्रोसेस में जहां हीट ट्रांसफर नहीं होती, इसकी वैल्यू 0 होती है।